नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी। आज के इस वीडियो में हम एक टैप एंड टैप सर्किट बनाएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, टैप एंड टैप सर्किट लिखा हुआ था, उसी के प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। ये टैप एंड टैप सर्किट क्या होता है, देखिए हमने यहाँ पर एक स्पीकर यूज किया है। आप इस स्पीकर को जितने बार टैप करोगे वो वही आवाज़ आपको फिर से सुनाई देगा। देखिए जितनी बार इसको टैप कर रहा हूँ वो उतनी बार मुझे रिटर्न आवाज़ दे रहा है। तो चलिए आज इसको बनाना सीख लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी कुछ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। तो दोस्तों, आज का प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसमें कुछ ज़्यादा कंपोनेंट भी नहीं लगेंगे, सिर्फ एक स्पीकर लगेगा और एक आर्डुइनो यूनो का बोर्ड। तो इन्हीं दोनों का यूज करके हम आज ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो स्पीकर का दो टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का, और आर्डुइनो में बहुत सारे पिन हैं। यह इसके आउटपुट वाले पिन, ये इसके पावर सप्लाई के पिन, और ये इसके एनालॉग इनपुट वाले पिन। तो अगर आप आर्डुइनो के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। देखिए इसके जो दो पिन हैं, हमने एक को क्या करेंगे, आर्डुइनो का जो ग्राउंड वाला पिन है उसमें हमने कनेक्ट कर दिया। स्पीकर का जो नेगेटिव है उसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड पर कनेक्ट कर दिया। अब बचा क्या, जो पॉजिटिव, उसको हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, एनालॉग जीरो पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंपल इसमें प्रोग्रामिंग लोड करेंगे। लोड करने के बाद इसको पावर सप्लाई देंगे और इसको टेस्ट करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। सिर्फ आपको कुछ कोडिंग लिखना है, फिर ये रेडी। अब चलिए इसमें कोडिंग लोड कर देते हैं। अगर आपको इसका कोडिंग चाहिए तो आप मुझे अपना मेल कमेंट बॉक्स पर दीजिए, मैं आपको इसका कोडिंग जल्दी भेज दूंगा। तो अभी इसका कोडिंग लोड हो रहा है, इसके लिए कुछ टाइम ही लगेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब भी मैं स्पीकर को टैप करता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है, एक कॉयल होता है और एक मैग्नेट होता है। जब कॉयल मैग्नेट के आसपास से गुजरता है तो उस कॉयल में एक ईएमएफ जनरेट होता है, एक वोल्टेज जनरेट होता है, एक वोल्टेज जनरेट होता है। वही वोल्टेज जाता है कहाँ पर, आर्डुइनो पर, और ये उसे रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड करने के बाद कुछ सेकेंड के बाद ये हमें उसी वही आवाज़ को रिटर्न सुनाता है। तो ये सर्किट इसी तरह काम करता है।